वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ड्रॉप कैप। पेज मेकर में ड्रॉप कैप किस तरह से यूज करते हैं और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में पेज मेकर को ओपन करना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने पेज मेकर में एक डॉक्यूमेंट को तैयार भी किया है और यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ्स को टाइप भी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पांचों पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों पैराग्राफ में हर एक पैराग्राफ में लगभग तीन तीन लाइंस को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब यहाँ पर ड्रॉप कैप का यूज आप क्यों करेंगे या क्यों करना चाहिए आपके लिए, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, ड्रॉप कैप एक ऐसा ऑप्शन है जो यूजर को किसी प्रकार के टेक्स्ट मैटर को अट्रैक्टिव बनाने की सुविधा देता है। ड्रॉप कैप का यूज आपने मोस्टली किसी प्रकार के मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या बुक्स में कई बार देखा होगा। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी प्रकार की मैगजीन में जो भी पैराग्राफ लिखा होता है, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद का जो कंटेंट होता है वो नॉर्मल साइज में या नॉर्मल फॉन्ट की साइज में जो भी आप सेट करते हैं उस साइज में आपको दिखाई देता है। पर जब आप ड्रॉप कैप का यूज करते हैं तो जिस भी लेटर पर आप ड्रॉप कैप को अप्लाई करते हैं उसे आप जितने चाहे लाइंस तक आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, और इस तरह से आप किसी भी पैराग्राफ को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉप कैप को यूज कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ को तैयार करना है। और मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहे हैं, इस पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को आपको सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ फर्स्ट लेटर को क्लिक किया है और जैसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं यूटिलिटीज मेन्यू पर जाता हूँ। यूटिलिटीज मेन्यू से प्लगइन्स पर जाकर के आपको यहाँ पर ड्रॉप कैप ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ड्रॉप कैप का साइज दिखाया जा रहा है 2 lines। ठीक है, आप चाहें तो उसे 3 lines, 4 lines, 5 lines, जितना भी आप चाहें उतना किसी भी कैरेक्टर की साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए, आपको दिखाने के लिए, मैं यहाँ पर जो लाइन का साइज है वो कर देता हूँ 3। और जैसे ही मैं यहाँ 3 करके इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर ड्रॉप कैप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट अभी मैंने लिखा था, जो पैराग्राफ मैंने अभी यहाँ लिखा था, उस पैराग्राफ में जो मेरा फर्स्ट लेटर है वो थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है और जो मेरा टेक्स्ट है वो कैपिटल में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया है और 3 lines को एटलीस्ट ये कवर कर रहा है। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप 4 lines, 5 lines या जितनी भी आपको सुविधा लगती है आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में इस फर्स्ट लेटर को फिर से ड्रॉप कैप करना है या इसे फिर से ड्रॉप कैप में मैं इसे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको फिर से यूटिलिटीज मेन्यू में जाना होगा। पर उसके पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप यूटिलिटीज मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर प्लगइन्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है जिसके बारे में भी हमने बात नहीं की है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर गो टू पैराग्राफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप प्रीवियस में जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पैराग्राफ पे आप जा सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप जा सकते हैं। जिस भी पैराग्राफ में आप फर्स्ट लेटर को ड्रॉप कैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात जो आपके लिए है विशेष तौर से, उसे आप ध्यान से सुने कि यहाँ पर एक पेज में आप एक ही बार, अगर मान लीजिए किसी चैप्टर को अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए कि आप लगभग जिस पब्लिकेशन को तैयार कर रहे हैं उस पब्लिकेशन में 5 से 6 chapters आपको देने हैं, तो 6 chapters में हर एक चैप्टर में केवल आप ड्रॉप कैप को एक ही बार अप्लाई करेंगे। इसलिए क्योंकि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस फर्स्ट पैराग्राफ को आपको एक अट्रैक्टिव लुक देना होता है और इस अट्रैक्टिव लुक को देने का मुख्य कारण ये है कि जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, उसका फोकस इस बड़े लेटर पर सबसे जल्दी जाता है। और ड्रॉप कैप लेटर्स जहां पर आप डिसाइड करते हैं, जिस भी लेटर पर आप डिसाइड करते हैं, अगर आपका फर्स्ट लेटर एकदम अट्रैक्टिव होगा तो आगे का जो पैराग्राफ है उसे रीडर बहुत ही ध्यान से पढ़ता है कि इसमें लिखा क्या गया है। तो एक किसी भी पैराग्राफ को एक स्पेशल लुक देने के लिए या उसके कंटेंट को एक विशेषता देने के लिए या उससे स्पेशलिटी देने के लिए भी आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि
आप यहाँ पर अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो आप इसे यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू लाइन्स और मैं इसे करता हूँ अप्लाई बटन पर क्लिक। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर ड्रॉप कैप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस ऑप्शन को, इस बॉक्स को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। और बंद करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर मैंने तीन लाइन्स को कवर किया है एक ही लेटर में, और यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ही लेटर में यहाँ पर दो लाइंस को कवर किया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से 4 लाइंस, 5 लाइंस, 6 लाइंस तक भी कवर करा सकते हैं किसी भी लेटर्स को। पर उसके लिए आपको एक ऐसे लेटर को चूज करना होगा जिसमें फर्स्ट लेटर आपका एक वर्टिकल स्केल पर हो। वर्टिकल स्केल का मतलब है जैसा कि आपका कोई लेटर है, मान लीजिए कि आप आई लिखना चाहते हैं और आप इसे ड्रॉप कैप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितनी भी लाइंस आप इसके बाद लिखेंगे तो इसमें आपका जो आई है आप इस आई को जितनी चाहे लाइंस तक आप इंक्रीज कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कोई आपका लेटर ऐसा है जो थोड़ा सा कर्व होता है, या मान लीजिए कि आपका जो लेटर है वो थोड़ा सा राउंडेड शेप में है, ठीक है, मान लीजिए कि जी है, या आप बात कर सकते हैं जैसे कि एन है, तो इस तरह के जो लेटर्स होते हैं ये एक स्पेस घेर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पैराग्राफ का जो साइज है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ड्रॉप कैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो मोस्टली आप ये ध्यान रखें कि जिस भी लेटर पर आप अप्लाई कर रहे हैं ड्रॉप कैप को, ड्रॉप उस लेटर का शेप कैसा है, वो लेटर कैसा दिखाई देता है, या जिस लेटर पर आप उसे अप्लाई कर रहे हैं उसको कितना इम्पोर्टेंस देना है, ये भी आपको, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने समझा होगा कि ड्रॉप कैप को किस तरीके से यूज करते हैं और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रॉप कैप का यूज आपको मैगजीन्स में करना है, आपको किसी न्यूज़पेपर के लिए इसे यूज करना है, या अगर इन फ्यूचर अगर आप किसी बुक को राइट करते हैं, कोई किताब अगर आप लिखते हैं, तब उस कंडीशन में भी आप इस ड्रॉप कैप को यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप कैप से संबंधित कोई भी कंटेंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करा सकूं। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।